प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक और 2020 की मुख्यमंत्री की दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी आज नालंदा के कतरीसराय प्रखंड के दरवेशपुरा गांव पहुंचे, जहां वो किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुई। इस दौरान पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव में प्लूरल्स पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी, जिसके लिए शीघ्र ही उनकी पार्टी अपना मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने रोजगार की बात कही और कहा कि हम रोजगार के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। कल्चरल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा मुख्य एजेंडा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है, उन्हें बस सहायता की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, किसानों को किसी भी तरह का अनुदान नहीं मिल रहा है, मार्केट लिंकेज भी नहीं है, किसानों के प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की भी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। दरवेशपुरा के किसानों ने अपने मेहनत के बल पर ही आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिसके कारण दरवेशपुरा के किसानों को पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इनकी पहचान बनी है। हम 2020 में खड़े हैं, अगर सरकार चाहे तो इन किसानों की समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण किसानों की मेहनत बेकार जा रही है। मैं भी बिहारी हूँ, मैं बिहार की हूँ और पूरा बिहार का सारा जिला मेरा भी है और मैं सभी जिले के सभी लोगों की भी हूँ। मैं ये नहीं मानती कि किसी का पैटर्नल प्रॉपर्टी तो नहीं है, घर भी अगर होगा तो किसी का पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं है, सबका है, सभी लोगों का है। नालंदा के लोग मेरे भी उतने ही हैं जितने बाकी लोगों के। चुनाव में कितने सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? 243 सारी सीट्स पे प्लूरल्स लड़ेगी जी। नालंदा में सभी पार्टी? जी बिल्कुल, सभी पार्टी पे लड़ेगी, अकेले लड़ेगी और अकेले ही जीतेगी। किन किन मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सिर्फ और सिर्फ रोजगार रहेगा। रोजगार हम अलग अलग तरीके से लाने की बातें करेंगे, मैनिफेस्टो बहुत जल्दी रिलीज करेंगे तो विस्तार में सारे मुद्दे पता चल जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है जो हमारा मेन एजेंडा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जो मेन एजेंडा है और जो सर्विस सेक्टर है उसको रिफॉर्म करना है। विश्व के सबसे बड़े जो पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं वो यहाँ आते हैं इसी ज़मीन पर, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, और ये कह के जाते हैं कि यहाँ के किसान साइंटिस्ट से भी ज़्यादा दिमागी हैं, तो उनको वो सहायता देनी है जो अगर हम उनको देंगे तो बिल्कुल वंडर्स अचीव किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इसके लिए मैं भी यहाँ हूँ, मेहनती किसानों के साथ हूँ। सभी किसानों से नहीं मिल पाई हूँ, बहुतों से मिली हूँ, वक्त आएगा तो सबसे मिलूंगी। बिहार में कृषि के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या कदम देखती है, कैसा रहा? कोई कदम नहीं देखती है, कुछ भी नहीं देखती। इरिगेशन में भी सारी वैसी ही चीज़ें हैं, किसी भी तरीके का अनुदान नहीं है, मार्केट लिंकेज नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए जाने की कोई कोशिश नहीं है, सरकार कहीं नहीं है। लोग बहुत मेहनती हैं, अपनी मेहनत पे चीज़ें करते हैं, किसी भी तरीके का मैकेनाइजेशन नहीं है। 2020 में खड़े हैं, चीज़ों को बहुत आसान बनाया जा सकता है, लेकिन सरकारों की वजह से हमारी मेहनत वेस्ट होती है और सरकारों की वजह से हमारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल है।